तो ये है मेरा ब्रांड न्यू ग्रीन स्किन शॉर्ट चैनल जिसको मैंने 17 डेज पहले क्रिएट किया था बस ये देखने के लिए कि कितना जल्दी मैं इस चैनल पे 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करके चैनल को मोनेटाइज कर पाऊंगा या नहीं। मैं अगर इस चैनल पे 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट ना कर पाऊँ तो मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करने वाले किसी भी एक चैनल को पिक करके अगले 30 डेज तक शॉर्ट वीडियो चैलेंज करूंगा। और मुझे इस चैनल को बनाने का आइडिया तभी आ गया था जब मैंने यूट्यूब पर वीडियो स्क्रॉल करते करते इस वीडियो को देखा। तुम देख सकते हो लिटरली इस वीडियो में 81 मिलियन व्यूज है और लाइक 2 मिलियन से भी ज्यादा है। और ये बंदा कोई फॉरेन का नहीं, इंडिया का ही है। बस ये बंदा करता क्या है, अपने आप को ग्रीन स्किन के साथ एक रिएक्शन देते हुए रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड ऐसी वायरल वीडियो को ढूंढते हैं जो ऑलरेडी वायरल है, बस उस वीडियो के ऊपर अपना छोटा सा रिएक्शन लगाकर शॉर्ट में अपलोड कर देते हैं और तुम व्यूज खुद देख सकते हो। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया उन सारे वायरल वीडियो को एंड मुझे बहुत सारा वायरल वीडियो मिला। तो मैं क्या करूंगा, इनमें से कोई सा भी एक वीडियो ले लूंगा जो सबसे ज्यादा वायरल है, तो उस पर क्लिक करके सिंपली रिमिक्स पर क्लिक करना है, देन ग्रीन स्किन फीचर्स को यूज करते हुए एक 30 सेकंड का वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लेना है। तो ऑटोमेटिक 30 सेकंड उस वीडियो से कट कर लिया है, अब बस डन करना है। देन हमारा कैमरा ओपन हो चुका है, अभी हमें 50 सेकंड का एक रिएक्शन देना है इस वीडियो के अंदर। तो मैं इस ग्रीन स्किन फीचर्स को छोटा करके कॉर्नर पे लगा देता हूँ, देन रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करके 15 सेकंड तक रिएक्शन दे देता हूँ। तो 15 सेकंड कंप्लीट होने के बाद अब मुझे एक टाइटल देना है, तो हम भी इस वीडियो के टाइटल में उस सेम टाइटल को डालेंगे बस थोड़ा सा चेंजेस करके ताकि टाइटल भी कैची रहे। तो इस वीडियो का टाइटल है बिग स्टैंड स्कल्पचर कैटवॉक, तो मैं इसी टाइटल को थोड़ा बहुत चेंजेस करके दे देता हूँ। देन दो हैशटैग लगा देते वायरल शॉर्ट एंड शॉर्ट्स, देन अपलोड पर क्लिक कर देते। और इसी तरीके से वीडियो करते हुए मुझे बहुत ही आसानी लग रहा था, तो मैंने उसी टाइम पे और एक वायरल वीडियो ढूंढ कर सेम स्टेप को फॉलो करते हुए और एक वीडियो अपलोड कर दिया। एंड आफ्टर 24 आवर्स लेटर मेरे फर्स्ट वीडियो में 21 के व्यूज आ गया था, जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा है एक न्यू चैनल के लिए। एंड इस वीडियो को एबीडी 87% है एंड मेरा सेकंड वीडियो पे 137,000 व्यूज है एंड इसका भी ऑडियंस रिटेंशन 96.5% के आसपास है। एंड अगर तुम वीडियो सोर्स देखोगे तो 83% यूट्यूब शॉर्ट्स फीड से आया है एंड 6% यूट्यूब शॉर्ट्स से आया है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी आपका वीडियो का क्वालिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, जो भी आपके पास ब्लर वीडियो या फिर नॉइजी वीडियो है उस वीडियो का क्वालिटी आप हाई करना चाहते हो बस एक ही क्लिक में, तो उसके लिए आप AI टूल को यूज कर सकते हो। एंड मार्केट में अभी बहुत सारे AI टूल चल रहा है एंड उनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट है हिटपॉप वीडियो एनहांसर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लो। देन तुम्हारे पास इस टाइप का कुछ इंटरफेस आ जाएगा, अभी इसमें तुमको वीडियो सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो चूज ए वीडियो पर क्लिक करके तुम अपना उस वीडियो को सिलेक्ट कर लो जिस वीडियो को क्वालिटी तुम हाई करना चाहते हो। तो मेरे पास एक वीडियो है तो इस वीडियो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद तुम्हारे पास इस टाइप का बहुत सारा मॉडल आ जाएगा, फेस मॉडल में तुम अपना फेस को फिक्स कर सकते हो, एनिमेशन मॉडल में तुम किसी भी एनिमेटेड वीडियो का क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो। तो मेरा वीडियो का क्वालिटी लो है, तो मैं फेस मॉडल पर क्लिक करके क्वालिटी को सिलेक्ट कर लूंगा, देन सेटिंग पर क्लिक करके एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन पर 4K सिलेक्ट कर लूंगा, देन प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देन तुम क्लियरली देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर में मेरा वीडियो बहुत ही ज्यादा डिनॉइज था एंड ब्लरी था एंड आफ्टर में तुम क्लियरली देख सकते हो बहुत ही ज्यादा शार्पनेस आ गया एंड क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट जरूर करना। तो अब आते हैं वीडियो टॉपिक पर। तो मुझे इन दोनों वीडियो का परफॉर्मेंस देख के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होप आने लगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही वायरल जाएगा। तो मैं लग गया वायरल वीडियो ढूंढने में, तो मुझे ये वीडियो मिला जिसमें ऑलमोस्ट 200 मिलियन व्यूज है एंड मैंने इस टाइप का वीडियो फेसबुक में बहुत ही ज्यादा देखता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में रिएक्शन दिया जाए, तो मैंने इस वीडियो पर क्लिक किया एंड रिमिक्स पर क्लिक करते हुए सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने इस वीडियो पर भी एक रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड कर लिया एंड टाइटल में भी सेम उसी टाइप का टाइटल दे दिया थोड़ा बहुत चेंजेस करके एंड हैशटैग में भी यूट्यूब शॉर्ट्स एंड यूट्यूब ही डाला। देन वीडियो को मैंने पब्लिश कर दिया एंड इस वीडियो में भी 24 आवर आने के बाद मेरे थर्ड वीडियो पे मेरे एक्सपेक्टेशन से भी कई गुना ज्यादा व्यूज आ गया था, ऑलमोस्ट 791 के व्यूज आ गया था विद 23 के लाइक के साथ। एंड सच बताओ तो मैंने बहुत सारे चैनल पे काम भी किया है एंड बहुत सारा चैलेंज भी कम्प्लीट किया है, बट इतना जल्दी रिजल्ट मुझे किसी भी चैनल पे नहीं मिला। एंड मैंने इस वीडियो में जब ऑडियंस रिटेंशन को चेक किया तो तुम बिलीव नहीं करोगे इस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन मेरे प्रीवियस 2 वीडियो से कई गुना ज्यादा था, 102% था एंड दैट्स व्हाई इस वीडियो में इतना ज्यादा व्यूज आ गया था। तो अब मुझे वीडियो अपलोड करते हुए 2 दिन कम्प्लीट हो चुका है, तो 3 डेज में मैंने और एक वीडियो फाइंड करके एक रिएक्शन के साथ वीडियो अपलोड कर दिया विद सेम स्ट्रेटेजी एंड आफ्टर 24 आवर्स मेरे उस वीडियो में 1.3 मिलियन व्यूज आ गया था एंड मेरे चैनल पे रीच बहुत ही ज्यादा हाई हो गया था एंड ये वीडियो ऑलमोस्ट 92% सिर्फ शॉर्ट फीड से ही आया है। तो मैंने इसी सेम स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए 4th डे को भी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया एंड उस वीडियो में मेरे प्रीवियस सारे वीडियो से बहुत ही ज्यादा कम व्यूज आ गया था, जो कि 39 के व्यूज है एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है इस वीडियो का एबीडी जो कि बहुत ही लो है, बस 60
69% है। एंड इस चीज का रीजन वीडियो टॉपिक, जिस वीडियो को मैंने सिलेक्ट किया था रिएक्शन देने के लिए वो वीडियो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो मैंने नेक्स्ट डे मेरा प्रीवियस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक बहुत ही ज्यादा वायरल वीडियो एंड इंटरेस्टिंग वीडियो को फाइंड किया एंड उस वीडियो को सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए एक ग्रीन स्क्रीन के साथ रिकॉर्ड करके वीडियो को अपलोड कर दिया। एंड आफ्टर 24 आवर्स लेटर मेरे उस वीडियो में 5.2 मिलियन व्यूज आ चुका था विद 470K लाइक। एंड जब मैंने इस वीडियो का सोर्स देखा तो ये वीडियो 91% सिर्फ शॉर्ट फीड में गया था एंड 7% यूट्यूब सर्च करके आया था। एंड इस वीडियो का एबीडी भी बहुत ही हाई है 105%। तो मैंने सेम स्ट्रेटजी को करते हुए अगले 10 डेज तक वीडियो अपलोड करते गया एंड आफ्टर 15 डेज मेरे इस चैनल पे टोटल व्यूज 21 मिलियन हो चुका था एंड जो इस चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए डबल व्यूज था एंड मेरे इस चैनल पे टोटल सब्सक्राइबर 29K प्लस हो गया था। तो आप मुझे इस चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजना है, बट मुझे एक दिक्कत हो रहा था, जब मैंने मोनेटाइजेशन प्रोसेस को अप्लाई किया तब मुझे फेस वेरिफिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ऑलमोस्ट मुझे और 4 दिन लग गया था। तो मैंने इस चैनल को अप्लाई किया चैनल क्रिएट होने के 23 डेज बाद। अब ये चैनल मेरा मोनेटाइजेशन के लिए सेकंड स्टेप में चला गया। अब मेरा इस चैनल अगर मोनेटाइज होता है तो मैं आप सभी लोगों को मेरा कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा और इस चैनल को मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इस चैनल में मेरा खुद का पैसा है जो कि मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ।